हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कर्ली रोज। सो रिसेंटली हमारे इंस्टाग्राम पेज पे और हमारे जो चैनल है कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने कहा था कि दे वांट टू नो बेस्ट लोकेशन फॉर द होटल्स इन श्रीनगर। तो हम इस वीडियो में ये सारा कवर करेंगे कि आपको अच्छे अच्छे होटल कौन सी लोकेशन में मिलेंगे। तो दोस्तों, हम आपको लोकेशन के साथ साथ होटल की लिस्ट भी देंगे जो आप प्रेफर करोगे, 2 स्टार में, 3 स्टार में। सो गाइज, फॉलो द वीडियो। सो गाइज, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। लोकेशन नंबर 1 जो है डल लेक। दोस्तों, मोस्ट प्रेफरेबली जो भी चूज़ करना चाहता है होटल्स, वो चाहता है कि हम डल लेक में रहे, क्योंकि डल लेक का कैसा एक व्यू अच्छा है, बुलवार्ड रोड है, वहाँ से बहुत अच्छा है। बट सीरियसली टेलिंग, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, डल लेक पे जो होटल्स है वो सारे पुराने होटल्स है, तो वहाँ पे जो एमिनिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। तो और नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक बना नहीं है डल लेक के वहाँ पे, तो आपको होटल्स में वैसा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। व्यू अच्छा मिलेगा बट एक्सपीरियंस वैसा नहीं मिलेगा। और दोस्तों, वहाँ पे जो भी कुछ अच्छे होटल्स है वो 4 स्टार कैटेगरीज में आते हैं, वो आपको ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। सो दियर फिर अगर 2 स्टार 3 स्टार ऑप्शन में जाते हो तो वो उतने अच्छे नहीं है जितने कि बाकी लोकेशन में वो अच्छे है। और दोस्तों, मैं आपको एड ऑन एक पॉइंट करना चाहता हूँ आपके टूर के दौरान। आप चाहते हो कि आप डल लेक में ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, बट होता कैसा है कि जब आप गुलमर्ग जाते हो, पहलगाम जाते हो, तो आप दिन भर थक के आ जाते हो। तो ऐट द एंड ऑफ द डे जब आप टूर से वापस आते हो तो आप फिर कहीं घूमने नहीं निकलते हो, क्योंकि आप फिर खाना खा के वापस सो जाते हो। आप लेट से वहाँ से आते हो टूर से, फिर आप सोते हो, तो आपको फिर डल लेक जाने का मौका नहीं मिलता है। इससे अच्छा क्या है, आप कहीं किसी और लोकेशन में होटल बुक करो, आपको अच्छी रेट में मिलेगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, अच्छी सर्विस भी मिलेगी, और आपको वैसे भी एक नाइट रखनी होती है हाउस बोट में, तो आप एक नाइट वहाँ से व्यू वगैरह उसका मज़ा भी लेते हो। है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे अभी लोकेशन नंबर 2 की, तो वो है राजबाग। राजबाग की अगर हम बात करेंगे, वो एक न्यूली डेवलप्ड पॉश एरिया है। लास्ट 3-4 साल से वहाँ पे होटल बनना ज़्यादा से ज़्यादा चालू हो गया है। वहाँ पे आपको 2 स्टार से लेके 4 स्टार तक सभी जो भी कैटेगरी के होटल्स मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर हम अट्रैक्शन की बात करेंगे राजबाग में, ऐसा क्या है कि जो हम राजबाग में होटल बुक करें, तो दोस्तों वहाँ पे आपको मिलेगा फुटब्रिज। वहाँ से फुटब्रिज जा सकते हो, वहाँ पे अच्छा, बहुत अच्छा व्यवहार रहता है। शाम को बैठने के लिए आप वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे स्ट्रीट फूड भी आप इंजॉय कर सकते हो, और वहाँ पे जहलम की जो नदी है वहीं से बहती है, और न्यूली जो प्रोजेक्ट था स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट, वहाँ से उसका काम किया है, तो बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे। वहाँ पे जाके आप शाम को फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, या अगर आप कपल हो तो आप जाके शाम को वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते। अगर आप होटल्स की बात करें तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लो, हमने लिस्ट दिया है होटल्स का। है दोस्तों, तो अभी हम बात करेंगे लोकेशन नंबर 3 की, मुनवराबाद और खयाम चौक। यहाँ पे भी बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं, नए होटल्स, और भी पुराने भी होटल्स भी यहाँ पे हैं। दोस्तों, वहाँ पे आपको बेस्ट चीज़ जो है मुनवराबाद खयाम चौक में, वो फूड स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। अगर आप फूड लवर हो और आप रोज़ शाम को जाना चाहते हो, कुछ इंजॉय करना चाहते हो, नया नया कश्मीरी स्ट्रीट फूड रहता है, लाइक बारबेक्यूज़, कश्मीरी तुजी हम कहते हैं उसको, या कश्मीरी वाजवान, तो नई नई चीज़ें अगर आप ट्राई करना चाहते हो खाने के लिए, देन आपको मुनवराबाद या खयाम चौक में होटल बेस्ट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, आपने हमने लिस्ट दिया होटल्स का, तो आप बुक कर सकते हो। है दोस्तों, तो अगर हम लोकेशन नंबर 4 की अगर बात करें, तो वो आता है निशात शालीमर साइड। डल लेक से आगे 7-8 किलोमीटर आते हैं निशात शालीमर। अगर आपको लाइक यू वांट अ प्लेस विथ फुल पीस, कोई वहाँ से शोर शराबा नहीं हो, पीसफुल एरिया हो, और थोड़ा आपको विलेज की वाइब दो, देन दिस लोकेशन इज़ परफेक्ट फॉर यू। और वहाँ पे भी आपको मोस्टली विल गेट 4 स्टार्स फ्रॉम दैट साइड। होम स्टेज भी मिलेंगे आपको, 2 स्टार 3 स्टार कैटेगरीज होटल्स भी मिलेंगे। हम डिस्क्रिप्शन में आपको होटल्स की लिस्ट देंगे जो आप वहाँ पे बुक कर सकते हैं। है दोस्तों, तो अभी हम बात करेंगे लोकेशन नंबर 5 की, तो वो आता है सनाथ नगर। दोस्तों, अगर आप होटल चाहते हो लाइक वेल डेवलप्ड सिटी, जहाँ से यू नो गुड ट्रैफिक हो और अच्छा मार्केट हो, मार्केट इन द सेंस यू नो मॉल्स एंड ऑल हो, लाइक अगर आपको KFC, MCD और पिज़्ज़ा हट, ये सब चीज़ें पसंद है, देन सनाथ नगर इज़ द परफेक्ट प्लेस यू कैन बुक द होटल्स। वहाँ से न्यूली होटल्स अभी डेवलप्ड हुए हैं, और वो भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े होटल्स हैं, और वहाँ से आपको मॉल्स एंड वगैरह में जाने का मौका मिलेगा। वहाँ से जो भी होटल्स हैं उसका हम लिस्ट इस डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो आप वो बुक कर सकते हो। सो गाइस, दिस वाज टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अभी आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कौन सी लोकेशन पसंद आई, तो आप वहाँ पे होटल बुक कीजिए। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते हो पूरा, पर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं,
ताकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दीजिए, दबाइए। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई कश्मीर आना चाहता है और वो चाहता है कि कौन सा होटल बुक करे, तो आप ये वीडियो उन तक फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी अच्छी लोकेशन चूज़ करें और अच्छे होटल्स बुक करें। और दोस्तों अगर आपको टूर पैकेज चाहिए कश्मीर के लिए, या अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग, तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।